हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने ट्रायंगल नाम की एक मूवी देखी और ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। ट्रायंगल एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे क्रिस्टोफर स्मिथ ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिल्मों में से एक है। ट्रायंगल को IMDb पे मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 80% फ्रेश और इस फिल्म की ऑडियंस स्कोर है 66%। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर ट्रायंगल फिल्म की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि इस फिल्म में कई डिटेल्स और थियोरीज होने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एल्स यू विल मिस द इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म के ओपनिंग सीन में हम व्यूअर्स एक औरत और एक बच्चे को देखते हैं जिसमें वो औरत उस बच्चे को ये बोलकर शांत करने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक सपने की तरह है। इतने में स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और अगले सीन में हम उसी औरत को फिर से देख पाते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। इस औरत का नाम जेस था और जेस का एक बेटा भी था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था और जिन्हें ऑटिस्टिक शब्द का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऑटिज्म इज ए कंडीशन जिसमें किसी इंसान की मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। नाउ टॉमी के ऑटिज्म की वजह से उसे स्पेशल अटेंशन और केयर की जरूरत होती है एंड दैट्स व्हाई जेस को उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। आज भी टॉमी ने घर में एक कलर का बॉटल गिरा दिया था जिससे जेस को साफ करना पड़ रहा था। जेस टॉमी के इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उसे अपने दोस्त ग्रेग के साथ उसके बोट पे एक बोटिंग ट्रिप के लिए जाना था। कलर साफ करते वक्त जेस के घर की डोरबेल बजती है लेकिन जब जेस दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। यहाँ एक खास बात नोट करने वाली ये थी कि जेस का हाउस नंबर 237 था और अगर आपने द शाइनिंग मूवी देख रखी है तो आपको रूम नंबर 237 के बारे में जरूर पता होगा। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेस अकेले ही ग्रेग के बोट के पास पहुंचती है और इस बोट का नाम ट्रायंगल था। लोग यहाँ जेस के बेटे टॉमी का आता पता जानना चाह रहे थे और जेस का कहना था कि टॉमी स्कूल गया है। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि सैटरडेज को स्कूल बंद होती है, लेकिन ग्रेग का कहना था कि मे बी टॉमी किसी स्पेशल स्कूल में जाता होगा जो कि रोज ओपन रहती है। जेस ग्रेग के दोस्तों से भी मिलती है जो कि एक मैरिड कपल होते हैं और उनका नाम सैली एंड डाउनी था। सैली अपने साथ अपनी दोस्त हैदर को भी इस ट्रिप पे लाई थी और यहाँ हम व्यूअर्स ग्रेग के फ्रेंड विक्टर को भी देख पाते हैं जिसे कि जेस थोड़ी अजीब लगती है। ट्रिप पे जाने से पहले जेस का कहना था कि वो काफ़ी थक चुकी है और वो बोट पे थोड़ी देर के लिए सोना चाहेगी। तो यहाँ से सभी बोटिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद हवा का बहाव अचानक से बंद हो जाता है। इनके बोट की तरफ एक समुद्री तूफान भी बढ़ रहा था और कुछ ही सेकेंड्स में ट्रायंगल एक बड़े से तूफान में फंस चुकी थी। ग्रेग कोस्ट गार्ड से रेडियो पर हेल्प मांगते समय एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करता है जिसमें एक औरत मदद मांग रही थी, लेकिन तूफान की वजह से ग्रेग उसकी बात ठीक ढंग से सुन नहीं पाता। इतने में एक बहुत बड़ी वेव ट्रायंगल से टकराती है जिससे ट्रायंगल में पानी भर जाता है और कुछ ही सेकेंड्स में बोट पलट जाती है। इस पूरे एक्सीडेंट के दौरान सभी लोग लाइफ जैकेट वगैरह पहनते हैं लेकिन तूफान के शांत होने पर कोई भी हेदर को नहीं देख पा रहा था। ट्रायंगल बोट भी पूरी तरह से पलट गई थी और ये लोग उल्टे हुए बोट पे चढ़कर हेल्प का इंतजार करते हैं। कुछ ही मिनटों बाद इन्हें इयोलस नाम की एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है और ये सभी उस शिप से मदद मांगते हैं। इस ग्रुप को शिप पे कोई अनसीन आदमी दिखता है पर उसका चेहरा क्लियर नहीं था। शिप इन्हें स्लो डाउन होती दिखती है और ये सभी उस शिप पे चढ़ जाते हैं। अब इस शिप के अंदर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह शिप एकदम खाली हो और सभी शिप में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी विक्टर और डाउनी एक डिस्प्ले केस के सामने आते हैं जिसमें उस शिप की एक तस्वीर होती है और ये तस्वीर हमें बताती है कि उस शिप का नाम इयोलस क्यों है। दरअसल इयोलस एक ग्रीक मिथिकल कैरेक्टर है जिसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं वीडियो के एंड में ट्रायंगल मूवी के कुछ थियरीज के साथ ही डिस्कस करूंगा।
सो शिप में जेस को कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि वो यहाँ पहले आ चुकी है। अब हालांकि ये शिप एकदम खाली थी, जेस और बाकी सभी को यहाँ फ्रेश खाना मिल जाता है। शिप पे जेस को उसकी चाबियां भी मिलती है और इससे सैली को ये यकीन होने लगता है कि उसकी दोस्त हेदर स्टॉर्म में बच गई है। सैली के हिसाब से हेदर भी इसी शिप पे होगी और उसी ने जेस के कीज को शिप पे ड्रॉप किया होगा। तभी अचानक जेस को लगता है कि कोई उन सब का पीछा कर रहा है और जब वो ये बात ग्रुप को बताती है तो विक्टर उस इंसान का पीछा करने चला जाता है। जेस और ग्रेग भी विक्टर के पीछे जाते हैं और वो एक रूम के पास पहुंचते हैं, विच वॉज रूम नंबर 237। दोस्तों इस रूम के दीवार की पैटर्न ठीक द शाइनिंग मूवी वाले ओवरलुक होटल के फ्लोर से मिल रही थी एंड दिस अगेन वॉज अ स्मॉल रेफरेंस टू दैट फिल्म। कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस रूम में एक मिरर था और इस मिरर पे खून से गो टू द थिएटर लिखा होता है। जेस और ग्रेग थिएटर की तरफ जाते हैं पर रास्ते में दोनों के बीच कुछ अनबन हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं। जेस वापस उस डाइनिंग रूम में आ जाती है जहां ग्रुप को फ्रेश खाना मिला था, बट शी नोटिसेस कि खाना अब सड़ा हुआ है। इसके अलावा सैली और डाउनी भी रूम में नहीं थे क्योंकि वो लोग शायद इन्हें ही ढूंढने निकल गए थे। तभी अचानक विक्टर वहां आता है और हम व्यूअर्स उसे बुरी तरह से घायल देख पाते हैं। विक्टर जेस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है पर जेस अपने आप को बचाने के लिए विक्टर के सर पे लगे चोट को दबाती है जिससे विक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद हम व्यूअर्स को एक गन शॉट की आवाज़ आती है और जेस इस आवाज़ को फॉलो करते हुए थिएटर पहुंचती है। यहाँ जेस को ग्रेग मरा हुआ मिलता है और सैली एंड डाउनी जेस को ये बताते हैं कि मरने से पहले ग्रेग का कहना था कि उसको गोली जेस ने मारी है। जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग। और तभी अचानक हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक मास्क्ड शूटर सैली, डाउनी और जेस पे गोली चलाने लगता है। शूटर सैली और डाउनी को मार देता है और वो जेस का पीछा करते करते शिप के डेक पे पहुंचता है। यहाँ जेस और शूटर के बीच हाथापाई होती है और इस लड़ाई में जेस शूटर पे ओवरपावर कर पाती है। अब इससे पहले जेस इस मास्क्ड पर्सन के मास्क को हटा पाती, वो मास्क्ड पर्सन शिप के रेलिंग से समुद्र में गिरता है। गिरने से पहले शूटर जेस से कहता है कि यू हैव टू किल देम, इट्स द ओनली वे टू गेट होम, अर्थात तुम्हें सभी को मारना होगा क्योंकि घर जाने का बस यही एक तरीका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेस के सारे दोस्त मर चुके थे लेकिन जेस को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जेस देखती है कि वो और उसका पूरा ग्रुप अभी भी जिंदा है और वो सब उनके टूटे ट्रायंगल बोट से शिप को इशारे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिप रुकती है और पूरा ग्रुप शिप के ऊपर आ जाता है। दिस सीन वॉज क्वाइट शॉकिंग और यहाँ हम भी समझ पाते हैं कि इस फिल्म की कॉन्सेप्ट एक टाइम लूप पे बेस्ड है। तो इसके बाद जेस को ये भी समझ आ जाता है कि इस जहाज में जिसे उसने और उसके ग्रुप ने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जेस खुद थी। जेस ग्रुप का पीछा करने लगती है और पीछा करते वक्त वो अपनी चाबियां गिरा देती है। बाद में यही चाबी ग्रुप को मिलती है और अगर आपको याद हो तो इसी चाबी के मिलने पर सैली का कहना था कि मे बी इसे हेदर ने ड्रॉप किया होगा, हु माइट स्टिल बी अलाइव। अब आई नो कि आप में से कई लोग यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे बट आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगी। मोरओवर मैं यहाँ नई वाली जेस को जेस 2 बुलाऊंगा ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। सो जेस इस नई ग्रुप का पीछा करते हुए डाइनिंग रूम के पास पहुँचती है जहाँ ग्रुप को फ्रेश खाना दिखता है। तभी जेस 2 को लगता है कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है और विक्टर उसका पीछा करने चला जाता है। दोस्तों वो स्टॉकर और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल जेस थी और ओरिजिनल जेस को अब ये पता चल चुका था कि इस जहाज की सारी घटनाएं एक लूप में बार बार हो रही है। ओरिजिनल जेस विक्टर को वार्न करने की कोशिश करती है लेकिन उनके बहस के दौरान विक्टर एक नुकीले वॉल हुक से इंजर्ड हो जाता है। मदद मांगने के लिए जेस शिप के अंदर भागती है और उसे वहां उस शूटर की काफी सारी डुप्लीकेट आउटफिट्स, गन्स वगैरह मिलती है। जेस को एक जगह ढेर सारी नोट्स भी मिलते हैं जिसमें उसकी हैंडराइटिंग में लिखा होता है किल देम ऑल व्हेन दे बोर्ड। इसके अलावा जेस को उसकी लॉकेट की कई सारी डुप्लीकेट्स भी मिलती हैं जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये सारी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और ये एक लूप में फंस के अब भी रिपीट हो रही है। अब इस लूप को ब्रेक करने और सबको बचाने के लिए जेस एक गन लेके ग्रुप के पास जाती है पर उसके पहुंचने से पहले एक और जेस न्यू ग्रेग और न्यू डाउनी को मार डालती है। इस एक और जेस को हम जेस 0 के नाम से बुला सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से जेस 0 ओरिजिनल जेस से भी पहले इस शिप पे बोर्ड करी होगी। जेस 0 सैली को भी बुरी तरह से चोट पहुंचाती है और ओरिजिनल जेस सैली को बचाने की कोशिश करती है। सैली शिप के रेडियो रूम में जाकर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है और ये वही डिस्ट्रेस सिग्नल थी जो कि ग्रेग ने मूवी के स्टार्ट में ट्रायंगल बोट पे सुना था।
This again suggests that this entire group was caught in a mysterious loop. Original just injured Sally के पास पहुंचती है और वो देखती है कि वहां Sally की एक नहीं बल्कि ढेर सारी लाशें थी। जी हाँ दोस्तों, न्यू Sally बुरी तरह से इंजर्ड थी और वो भी उसी स्पॉट पे अपना दम तोड़ देती है। तभी ओरिजिनल जस्ट शिप की तरफ देखती है एंड शी सीज दैट जस्ट टू मास शूटर को बोट से नीचे गिरा दी है। हम व्यूअर्स यहां देखते हैं कि ओरिजिनल जस्ट अपने हाथ में गन ली होती है एंड शी रियलाइजेस कि वो मास्क्ड शूटर और कोई नहीं बल्कि जस्ट की एक और डुप्लीकेट थी। तभी लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है और ओरिजिनल जस्ट देखती है कि पूरा ग्रुप फिर से शिप की तरफ उनके टूटे बोट से इशारे कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि ये लूप इन सभी लोगों के मरने से वापस स्टार्ट हो जाती है। ओरिजिनल जस्ट डेस्परेटली इस लूप को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो वही सारी चीजें फिर से करने लगती है जिसमें एक शूटर की भूमिका वो खुद निभा रही थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि ओरिजिनल जस्ट ने ही खून से मिरर पे गो टू थिएटर लिखा था। उसी ने Sally ग्रेग और डाउनी को मारा और वो खुद मास्क पहनकर खुद से लड़ रही होती है। इस फाइट में ओरिजिनल जस्ट नई वाली जस्ट से हार जाती है और समुद्र में गिरने से पहले वो भी सेम बात दोहराती है, यू हैव टू किल देम, इट्स द ओनली वे टू गेट होम। अब दोस्तों, अगर आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओरिजिनल जेस मास्क पहनकर बाकियों को मारने क्यों लगी, तो मैं आपको बता दूं कि जेस प्लान करती है कि वो बाकी लोगों को मार देगी जिससे लूप स्टार्ट होगी और लूप स्टार्ट होते ही वो नए ग्रुप को इस शिप पे चढ़ने ही नहीं देगी जिससे ये लूप ब्रेक होगी। लेकिन एज यूजुअल मास्क्ड ओरिजिनल जेस नई जेस से हार जाती है जिस वजह से लूप कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि ओरिजिनल जेस समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी थी और होश में आने पे शी रियलाइजेस कि वो समुद्र में डूबने से बच गई है। जेस भागकर अपने घर लौटती है और वो देखती है कि उसकी नई वर्जन दैट इज एक और जेस टॉमी को बुरी तरह से ट्रीट कर रही है। ओरिजिनल जेस यहाँ अपने बेटे टॉमी के पास जाती है और उसके ही आने से टॉमी एकदम डर गया था जिससे वो कलर की बॉटल गिरा दिया। ओरिजिनल जेस उस नई जेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोरबेल बजाती है और वो उसके घर में घुसकर नई जेस को मार डालती है। टॉमी ये सब देखकर डर जाता है और ओरिजिनल जेस उसे शांत करती है। दोस्तों, ये वही सीन है जिसे हम सब ने फिल्म के स्टार्ट में देखा था जहां जेस अपने बेटे से बोलती है कि ये सब बस एक सपना है। ओरिजिनल जेस ये भी डिसाइड करती है कि आज से वो अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट करेगी। ओरिजिनल जेस के हिसाब से नई जेस को मार डालने से ये लूप टूट गया है क्योंकि अब वो बोट राइड पे जाएगी ही नहीं। ओरिजिनल जेस इस नई जेस की बॉडी को पैक करके कार में डालती है ताकि वो उसे डिस्पोज कर सके। कार में वो अपने साथ टॉमी को भी ले जाती है और ड्राइव करते समय एक सीगल इनके कार से टकराकर मर जाता है। जब जेस इस डेड सीगल की बॉडी को फेंकने जाती है तो वहाँ वो ढेर सारे डेड सीगल्स को देख पाती है। जी हाँ दोस्तों, जेस को तब पता चलता है कि वो अब भी टाइम लूप में फंसी हुई है और ये सारी इंसिडेंट्स इस बड़े से लूप का हिस्सा था। जेस डेस्परेटली कार में यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन टॉमी के चिल्लाने की वजह से शी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड जिससे इनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इट वॉज अ बैड एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट में टॉमी की मौत हो जाती है। नई जेस जिसे ओरिजिनल जेस ने मारा था उसकी डेड बॉडी कार से बाहर निकल गई थी और ओरिजिनल जेस इस एक्सीडेंट में बच जाती है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ओरिजिनल जेस की तरफ आकर उससे पूछता है इफ शी इज ओके। ओरिजिनल जेस टैक्सी लेकर ग्रेग के बोट के पास पहुंचती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से ट्रायंगल बोट पे जाती है ताकि ये लूप रीस्टार्ट हो सके। मूवी के सारे इवेंट्स अब फिर से रिपीट होंगे क्योंकि पूरा ग्रुप ट्रायंगल बोट पे सवार हो जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ट्रायंगल मूवी की कहानी और मुझे पता है कि आप सभी बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं, बट डोंट वरी क्योंकि मैं आप सभी की सारी कन्फ्यूजन्स एकदम क्लियर कर दूंगा। सो ट्रायंगल फिल्म की कहानी को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी को जानना होगा जो कि इओलस के बारे में है। अब अगर आपको याद हो तो मूवी में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बड़े वाले शिप का नाम इओलस है जो कि एक ग्रीक कैरेक्टर है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी इओलस एक ग्रीक गॉड है जो कि किंग ऑफ विंड्स है। इओलस का बेटा किंग सिसिफस डेथ को झांसा देकर उससे दो बार बच निकला था। सिसिफस ने मौत यानी डेथ के साथ एक सौदा किया था जो उसने तोड़ दिया। गॉड ऑफ डेथ थानाटोस ने सिसिफस को पनिशमेंट देने का ठान लिया और इसलिए वो सिसिफस के पास तीसरी बार जाकर उसे जीते रहने का ऑफर देते हैं। उन्होंने सिसिफस से कहा कि अगर वो इस पत्थर को एक पहाड़ के ऊपर अपने दम पर पहुंचा दे तो वो जब तक चाहे तब तक जी सकता है। सिसिफस मान गया और वो उस पत्थर को पहाड़ की चोटी की तरफ धकेलने लगा, लेकिन जैसे ही पत्थर पहाड़ के टॉप पे पहुंचती थी वो वापस लुढ़क कर नीचे आ जाती थी। सिसिफस फिर से पत्थर को ऊपर ले जाता और पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाती।
ये लूप तब तक रिपीट होते रहे जब तक सिसिफस को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। ट्रायंगल मूवी की इंस्पिरेशन इसी ग्रीक मिथ से ली गई है और अब मैं आपको इन दोनों कहानियों की कनेक्शन दिखाता हूँ। दोस्तों मूवी के एंड में जब जेस टैक्सी से उतरकर ग्रेग के बोट की तरफ जाने वाली होती है तो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है इफ शी इज गोइंग टू रिटर्न। जेस उस ड्राइवर को प्रॉमिस करती है कि वो वापस आएगी, लेकिन वो प्रॉमिस को तोड़ते हुए बोट ट्रिप पे अपने बेटे को बचाने चली जाती है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ थे जो कि जेस को लेने आए थे, लेकिन जेस उन्हें झांसा देकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है जिससे वो एक लूप में फंस गई। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि अगर जेस मरी ही नहीं थी तो गॉड ऑफ डेथ उसे टैक्सी में आफ्टर वर्ल्ड में ले जाने के लिए ही क्यों आए थे। वेल, कई लोगों का मानना है कि ट्रिप वाले दिन जेस टॉमी के किसी गलती की वजह से उसको इतना मारती है कि टॉमी की मौत हो जाती है। जेस अपने कपड़े चेंज करके ट्रिप पे जाने की सोचती है, लेकिन उसकी कार ठीक 8:17 पे क्रैश होती है। इस क्रैश में जेस की मौत हो जाती है और डेथ टैक्सी ड्राइवर के रूप में उसे लेने आ जाता है। जेस को रियलाइज होता है कि अपने बेटे को मारकर उसने बहुत ही बड़ी गलती की है और वो डेथ से अपने बेटे से आखिरी बार मिलने का मौका मांगती है। डेथ उसे मौका देता है और जेस इस मौके का गलत फायदा उठाकर इवेंट्स को बदलने की कोशिश करती है। जेस टैक्सी ड्राइवर को प्रॉमिस करती है कि वो वापस आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आती और इसी के लिए डेथ उसे इस लूप में फंसाकर पनिश कर रहे हैं। मोर ओवर, ट्रायंगल बोट पे सोने के बाद जेस को पिछला कुछ याद नहीं रहता था और इसी वजह से उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो होनी को नहीं टाल पा रही थी। नाउ ट्रायंगल बोट पे तूफान तकरीबन 11:30 पे आता है और इस तूफान में मोस्टली जेस के सभी दोस्त मारे गए। यही वजह है कि जेस की वॉच हमेशा 8:17 और उसके दोस्तों की वॉच हमेशा 11:30 वाले टाइम पे रुकी रहती है। योलस शिप की मदद से जेस टाइम में पीछे जाकर अपने बेटे से मिल पाती है, लेकिन उसके बाद उसे खुद को डेथ के हवाले करना था, लेकिन वो हर बार टैक्सी में बैठकर आफ्टरवर्ल्ड नहीं जाती जिस वजह से लूप रिपीट होती है। इस लूप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि जेस को टैक्सी ड्राइवर के साथ आफ्टरवर्ल्ड में जाना होगा। सो नाउ आई होप कि आपको ट्रायंगल फिल्म की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इस फिल्म को योलस वाली ग्रीक माइथोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक और थियोरी यह है कि जेस वॉज अ सिंगल मदर टू एन ऑटिस्टिक सन और उसकी लाइफ नेचुरली बहुत डिफिकल्ट थी। शी वॉज टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड शी वॉन्टेड अ डे ऑफ, पर अकेले सब कुछ मैनेज करना वॉज डिफिकल्ट फॉर हर। सो ट्रायंगल बस एक सपना है जो कि जेस की होपलेसनेस और साइकोलॉजिकल कंडीशन को दर्शाता है। इस थियोरी को प्रूव करने के लिए मूवी में एक सीन है जहां जेस ट्रायंगल बोर्ड पे सोती है और उसे एक सपना आता है। सपने में जेस खुद को बीच पे पाती है और दोस्तों ये वही सीन है जब जेस समुद्र से आउट होकर बीच पे आ गई थी। सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो अपने मेंटल और फिजिकल कंडीशंस की वजह से इस तरह के सपने देखती होगी एंड दिस एंटायर मूवी कुड बी वन ऑफ आवर ड्रीम्स। मैं पर्सनली इस थ्योरी में बहुत बिलीव नहीं करता, बट योर थॉट्स कैन बी डिफरेंट देन माइन। अब अगला सवाल ये कि फिल्म का नाम ट्रायंगल ही क्यों है। वेल, इस फिल्म की मेजर प्लॉट पॉइंट्स जेस के घर, ट्रायंगल बोट और योलस शिप पे होती है जो कि तीन डॉट्स की तरह हैं और इन तीन डॉट्स को ट्रायंगल बना के कनेक्ट किया जा सकता है जो कि एक लूप होगी। मोरोवर, आप सभी ने ओरोबोरस सिंबल को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जिसमें एक स्नेक या ड्रैगन अपने पूंछ को खा रहा है। इस सिंबल के बीच में एक ट्रायंगल होती है और ये इजिप्शियन सिंबल साइकिल, रीबर्थ और इटर्नल लाइफ जैसी चीजों को डिपिक्ट करती है। आई वोंट गो टू डीप इनटू दिस क्योंकि इजिप्शियन सिंबल्स को मैं अपने लेट नाइट शो पे कवर कर सकता हूँ। वन लास्ट डिटेल कि फिल्म में जेस की एक्सीडेंट होने से पहले एक सीगल उसकी कार से टकरा कर मारा जाता है। दोस्तों सीगल का मरना हमेशा से ही बहुत अपशकुन माना गया है और मैंने क्लास 9th में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम पढ़ा था जिसमें एक सीगल के मरने से बहुत कुछ बुरा होता है। उस पोएम की एक बहुत ही फेमस लाइन थी विच सेड, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मोरोवर, हाल ही में मैंने द लाइट हाउस मूवी एक्सप्लेन करी थी और उस फिल्म में भी रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर एक वन आइड सीगल को मार देता है जिसके बाद आइलैंड पे तूफान आती है। सो माय पॉइंट इज कि कभी भी सीगल को मत मारिए। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियोरीज ऑन द मूवी ट्रायंगल एंड आई होप कि आपको ये थियोरीज पसंद आई होंगी। इस मूवी में और भी कई डिटेल्स हैं लेकिन अगर उन्हें मैं बताने गया तो ये वीडियो मूवी जितनी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। मैंने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर किया है और अगर मैंने कुछ डिलिबरेटली मिस किया है तो वो इसीलिए क्योंकि वो डिटेल्स बहुत माइन्यूट थी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को जरूर देखें और रही बात कि हम इस फिल्म को कहां देखेंगे तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कुछ और बड़ी प्लॉट पॉइंट है जिसे मैंने मिस किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।
पीस।